नमस्ते, मैं हूं नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रू योग में। आज हम बात करेंगे हमारे नीज़ की। नीज़ हमारे जो हमारे घुटने हैं, ये हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी की जो फाउंडेशन होती है वो हमारे नीज़ से होती है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारा जो पुअर लाइफ स्टाइल है उस वजह से हमारी जो नीज़ है इसमें पेन होना शुरू हो जाता है। इसकी घुटनों धीरे धीरे घुटनों की हेल्थ ख़राब होने लगती है। आवाज़ है वो हड्डियों की जो आवाज़ होती है वो आने लगती है। तो हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे वो इसका जो पेन है वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे घुटनों की हेल्थ अच्छी हो जाए। मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपको घुटनों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घुटने बहुत हेल्दी हो जाएंगे। मैं आप इसको करने के लिए सबसे पहले हम बैठेंगे दंडासन में। दंडासन में बैठ के ध्यान रखिए आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। आप इस तरीके से ना बैठिए, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और आपके पैर जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट। और आप अच्छे से इसको करिए इस तरीके से। आपके जो टोस हैं जब आप उसको मूव करोगे, इससे आपकी जो आपके पैरों की जो पूरी मसल्स हैं वो पूरी एक्टिव हो जाती है। पूरी तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा उनमें अच्छे से होने लगता है। इसको आप 10 to 15 times करिए। पूरा स्ट्रेच करके, रिलैक्स, पूरा स्ट्रेच, रिलैक्स। अब आप या तो कोई कुशन या फिर ब्लॉक, या जो योगा का ब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई टॉवल ले सकते हैं। मैंने टॉवल लिया है। इसको आप इस तरीके से नीज के बीच में रखिए, नीज को अपने इसके ऊपर रखिए और सेम 1 by 1, पहले एक पैर से, देन उसके बाद दूसरे पैर से पूरा स्ट्रेच करिए। स्ट्रेस, रिलैक्स, पूरी तरीके से आपका टोज। इसको भी आप 10 to 15 times करिए। इसके बाद इस टॉवल को या ब्लॉक जो भी आपने लिया हो दोनों पैरों के बीच में रख के दोनों पैरों को थोड़ा सा नीचे से अप करके सेम इसको भी 10 to 15 times करिए। इसको करने से अगर साथ साथ आप अपने स्टमक को भी टाइट करते हैं तो इससे स्टमक का भी फैट चला जाएगा। इसको 10 to 15 times कर लीजिए। इससे आपके जो पैरों की हेल्थ है वो पैरों जो आपके नीज की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको आपके नीज में कभी पेन था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को आगे भी देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। नमस्ते।